आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी मार्च अप्रैल मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी 67 सीट आई, 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें, हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई नहीं देना चाहता, बधाई देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया।
कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, एक डेढ़ साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा, और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रिस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये हम चाहते हैं। दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। मैं देखता हूं कि कई ऐसी पोस्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनमें कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बैठ के जनता की चार अड़चने ही लगाता है, अगर वो ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसी पोस्ट्स को चिन्हित करके या तो उन्हें खाली छोड़ा जाएगा या उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ ज़्यादा पोस्ट्स की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पोस्ट्स क्रिएट की जाएंगी। जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पोस्ट, जैसे अब इतने मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं तो जब डॉक्टर्स की ज़रूरत है, पैरामेडिक्स, वहाँ और क्रिएट किए जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्कूल अस्पताल में एक मॉडल दिया, अब पंजाब के अंदर हम एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक मॉडल पूरे देश के सामने देगा। मैं एक बार फिर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे संघर्ष में हम लोगों का साथ दिया। हैं जी, बिल्कुल होगी। सर्विसेज आने के बाद हम नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी पोस्ट अबॉलिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एसी भी अभी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस अब आ गया है। तो जो लोग अगर गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, विजिलेंस प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। सर, शाम को आप एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं, उसमें क्या बातचीत होने की संभावना है? क्या आप उतरेंगे कि वो अब और किसी प्रकार का अड़ंगा ना लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। नहीं, जिम्मेदारी तो पहले भी थी, वो जिम्मेदारी विदाउट पावर थी, अब जिम्मेदारी विद पावर आ गई है। जिम्मेदार देखिए, जब भी जनता वोट देती थी तो वो तो यही कहती थी, जी हमने तो केजरीवाल को वोट दे दिया, अब केजरीवाल जाने, पावर है कि नहीं है उसके पास। जनता को के विचारों को क्या पता TBR क्या होता है, आर्टिकल 239(4) क्या होता है, उनको क्या पता बेचारों को। जनता तो वोट दे देती है, लेकिन हमारे पास पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी, अब शक्ति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले कई सालों में अटके। पिछले एक साल के अंदर तो आपने देखा कि किस तरह से पिछले साल लास्ट के महीने नवंबर तक आते आते मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लैब टेस्ट्स बंद हो गए थे, दवाइयां बंद हो गई थी, जल बोर्ड जो है
बजट असेंबली ने बजट पास कर दिया, लेकिन कुछ ऑफिसर जो हैं वो बजट रिलीज नहीं कर रहे थे। हर डिपार्टमेंट का गला घोंट दिया गया था अफसरों को के ज़रिए, वो अब बंद हो जाएगा। अब जितने जो असेंबली के अंदर हम बजट प्रेजेंट करते हैं और जो जनता की बात रखते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम कर पाएंगे। जरूर बुलाएंगे, अब आने वाले टाइम में मीटिंग्स होती रहेंगी। सर अभी हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जो कि मतलब सरकार के अधिकारों का उल्लंघन करके खुद से लिए गए, क्या अब उन फैसलों को रिव्यू भी किया जाएगा? वो फैसले कई सारे गलत हैं, इनफैक्ट कई सारे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कल एल्डरमैन का केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ट्यूजडे को DRC के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का केस आ रहा है, फिनलैंड जो हमारे टीचर्स को नहीं जाने दिया उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जब मेंशन ही किया था हमने ये केसेस तीनों, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी तल्ख थी कि ये कैसे LG साहब रोक सकते हैं, एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल गलत हुई है। जो DRC के चेयरमैन 4 महीने से फाइल LG साहब के पास पड़ी हुई थी, LG साहब ने अपॉइंटमेंट नहीं होने दी, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अब इतना सुप्रीम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की जरूरत शायद ना पड़े, अब शायद हम अपने स्तर के ऊपर ही कई सारे निर्णय ले सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं, जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे BJP की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फ़ायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ, ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, राजनीति कर लो, चुनाव में एक दूसरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चाहे कोई BJP की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। वो देखेंगे, अभी तो ऑर्डर जब उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो सारी चीजों पे आशीर्वाद है जी, मिलके काम करेंगे। मेरे ख्याल से अब लार्जर बेंच नहीं, आज उन्होंने क्लियर कर दिया, 5-judge बेंच को अगर रेफर करना होता तो वो आज ही कर देते, तो लार्जर बेंच का ऑप्शन नहीं है। मेरी अब उनसे यही निवेदन है, यार अब हमें काम करने दो, इतना टाइम तो खराब कर दिया। अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दें लोग, ऐसा काम करो। मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो, कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना, टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए। सर महाराष्ट्र का जो फैसला आया है, अभी आया नहीं, कानून के अंदर LG साहब के पास 7 दिन का टाइम होता है, तो वो भी मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 दिन में क्लियर करना चालू करें फाइनल। सर महाराष्ट्र का जो फैसला आया है उसमें भी राज्यपाल की भूमिका को बहुत, मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं है, मैं अपना फैसला सुनने के बाद मैं थैंक यू सो मच। जब छोक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बड़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का।
रस्मी माँ का प्यार, गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।